दोस्तों 16 जुलाई 1969 ईस्वी को अपोलो 11 मून की सतह की तरफ लॉन्च किया गया। इसके अंदर 3 एस्ट्रोनॉट थे, एडविन एल्ड्रिन, माइकल कोलनी, नील आर्मस्ट्रांग। कुछ दिनों में ही अपोलो 11 मून की ऑर्बिट में चक्कर काटने लगा। नील आर्मस्ट्रांग और एल्ड्रिन ने माइकल को मून की ऑर्बिट में छोड़ करके लूनार मॉड्यूल यानी कि ईगल को लेकर के मून की सतह पर पहुंचे। 20 जुलाई 1969 ईस्वी को नील आर्मस्ट्रांग ने अपना बायां पैर चंद्रमा की सतह पर रखा। इस प्रकार नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा की सतह पर अपना कदम रखने वाले सबसे पहले इंसान बन गए। उस समय पूरी दुनिया के लोगों ने इसे टीवी के माध्यम से देखा। नील आर्मस्ट्रांग और एल्ड्रिन ने रॉक और डर्ट यानी कि धूल को उठाया वहां से और माइकल की तरफ चल पड़े। 24 जुलाई 1969 ईस्वी को इन तीनों एस्ट्रोनॉट ने पैसिफिक ओशियन में सेफली लैंड किया। यह पूरा मिशन 8 दिन 3 घंटे 18 मिनट 35 सेकंड का था। इस तरह दोस्तों उनके पैरों के द्वारा लगाए गए निशान कई हजारों लाखों सालों तक नहीं मिटेंगे, क्योंकि मून पर कोई भी हवा नहीं है। तो दोस्तों अपोलो 11 के बारे में यह अनोखी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरा बताना हमें।